Assalamualaikum everyone. आज हम Microsoft Word में Dropcap के कमांड को समझेंगे. Dropcap हमारे Microsoft Word के डॉक्यूमेंट का एक डेकोरेटिव एलिमेंट है, जिसमें पैराग्राफ का पहला लेटर जो है वो लार्जर होता है इन साइज और उस पर हम फिर स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं. Dropcap के लेटर के साथ कुछ लाइंस ड्रॉप होते हैं, तो Dropcap इंसर्ट करने के लिए हम सब पहले कुछ हाइपोथेटिकल पैराग्राफ इंसर्ट कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट में. तो मैं टाइप करता हूँ इक्वल टू रेन अंडर ब्रैकेट 3 और इंटरफेस करता हूँ. फिर मैं इन पैराग्राफ्स को सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल जे से इनको जस्टिफाई करता हूँ और कंट्रोल 5 से इसकी लाइन स्पेसिंग 1.5 करता हूँ. अब Dropcap इंसर्ट करने के लिए मैं इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करता हूँ और फिर Dropcap के कमांड पर क्लिक करता हूँ. तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होती है. इसमें 3 ऑप्शन है. नन अगर मैं करता हूँ तो इसका मतलब है कि कोई Dropcap नहीं होना चाहिए. अगर मैं ड्रॉप वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ तो फिर इसमें पैराग्राफ का जो फर्स्ट लेटर है वो ड्रॉप हो जाता है और इसके साथ बाई डिफॉल्ट 3 लाइंस ड्रॉप होते हैं. ठीक है. और अगर मैं इन मार्जिन करता हूँ तो फिर Dropcap का जो फर्स्ट लेटर है वो मार्जिन एरिया में होता है. ठीक है, ये देखिए ये मार्जिन एरिया में, और पैराग्राफ का बाकी जो टेक्स्ट है वो पेज के बाकी नॉर्मल स्पेस में होता है. ठीक है, तो अब इस पर हम कुछ और ऑप्शन अप्लाई करना सीखते हैं. इसके लिए मैं Dropcap के कमांड पर क्लिक करता हूँ और Dropcap के ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ. तो ये देखिए यहाँ से मैं जो 3 फॉर्मेट्स है इसमें से कोई भी चूज कर सकता हूँ. सपोज मैं ड्रॉप वाला चूज करता हूँ. फिर ये देखिए फॉन्ट यहाँ पे मैं Dropcap का जो लेटर है फर्स्ट लेटर उसका फॉन्ट स्टाइल में चूज कर सकता हूँ. सपोज मैं यहाँ से रॉकवेल चूज करता हूँ. ठीक है, लाइन टू ड्रॉप्स. तो बाई डिफॉल्ट Dropcap के साथ 3 लाइंस ड्रॉप होते हैं और हम मैक्सिमम 10 लाइंस ड्रॉप कर सकते हैं. ठीक है, 10 से ज्यादा नहीं. तो सपोज हम यहाँ पे रखते हैं 5 लाइंस. ठीक है, और डिस्टेंस फ्रॉम द टेक्स्ट यानी Dropcap का जो फर्स्ट लेटर है इसके साथ बाकी डिस्टेंस बाकी टेक्स्ट का कितना डिस्टेंस होना चाहिए, तो ये यहाँ से हम कम या ज्यादा कर सकते हैं. सपोज हम रखते हैं इसको 2 सेंटीमीटर. ठीक है, इसको ओके करते हैं. तो अब आप देख सकते हैं कि जो ये लेटर है Dropcap का, इसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो रॉकवेल है. इसी तरह मतलब ये इसके साथ 5 लाइंस अब ड्रॉप हो रहे हैं क्योंकि हमने 5 लाइंस सेट किए थे. और इन लाइंस इस पैराग्राफ के टेक्स्ट और ये Dropcap के लेटर के दरमियान जो डिस्टेंस है ये भी ज्यादा हो गया है. सपोज मैं ये डिस्टेंस कम रखना चाहता हूँ. ठीक है, तो मैं Dropcap के ऑप्शन पे जाता हूँ और यहाँ से इसको कम करता हूँ. ठीक है, इसको सपोज मैं 0.5 रखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि नहीं 5 लाइन नहीं 3 लाइंस इसके साथ ड्रॉप होनी चाहिए और मैं ओके करता हूँ. तो अब आप देख सकते हैं इसके साथ 3 लाइंस ड्रॉप हो रहे हैं और जो Dropcap का लेटर है और पैराग्राफ की जो टेक्स्ट है इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी कम हो गए. तो उम्मीद है आप Dropcap के कमांड को समझ गए होंगे. थैंक यू वेरी मच.